हीरा मंदिर यह सुनने में आया। फोटोग्राफर का बड़ा बिजनेस है, मैं सोच रहा हूँ मैं भी 11 प्रो के पैसे यहाँ से पूरे कर लूँ। दिल से सुना क्यों हारा, ये तूने क्या किया। 350 की तो खरीदा हमारी, कहाँ से खरीदा मैं, वहाँ से ले आता यार। ये देखो कितनी प्यारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद करीम तारिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल करीम तारिक का। जी आज का व्लॉग जो है शुरू करते हैं। यार सुबह सुबह का टाइम है और मैं जो है बिल्कुल रेडी होकर बैठा हुआ हूँ। तकरीबन 8:15 हो गए हैं। आज जो है लाहौर जाने का प्लान है विद फैमिली, सारी फैमिली जा रहे हैं लोग, उधर कज़न होते हैं उनके पास मिलने वगैरह, तो बस यही बात है। तो बस यार वाइब नहीं आ रही कि मैं ट्रैवल पे जा रहा हूँ, मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं कहीं जा रहा होता हूँ ना, पर आज जो है सच्ची मुच्ची नहीं आ रही। खैर कोई नहीं, अभी जो है देखते हैं क्या सीन बनता है, लक्षा या इंद्रा वगैरह करवाते हैं, फिर कोई देखो क्या बनता है। जी जनाब अभी जो है बस में बैठ चुके हैं, तकरीबन 9:30 वाला टाइम है और एंड पे हमें सीट मिली है, बिकॉज वी आर लेट, वेरी लेट, 9:30 वाला टाइम था। तो ये न्यू खान है और ये पीछे से ही जाती है कायदाबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो अभी इसका डायरेक्ट स्टॉप जो है सरगोधा का है, सॉरी लाहौर का है, आखिरी ईदर तक है। अब ये सीधा लाहौर जाएगी तो इसलिए जो है ना फुल ऑफ फुल है, तो एंड पे सीटें मिली हैं जिसकी वजह से विंडो नहीं है हमारे पास। ये थोड़ी सी जगह है, यहाँ से कोई व्यू वगैरह आया तो दिखाएंगे, अदरवाइज लाहौर में नहीं। जी तो मैं तो जो है रजब भाई के ब्लॉग देख रहा, सीटी ऐसी मिल गया कि बोरिंग बोरिंग बोरिंग, बिकॉज जो है इधर अभी ऐसी सीट है या इधर नेटफ्लिक्स या यूट्यूब यही है। और रजब भाई अलवेज हर जगह पे, यहाँ पे मैंने मोबाइल सेट किया हुआ था, वीडियो बनाने लगा तो मोबाइल ही गिर गया। अच्छा ये है आपके भाई की किस्मत। ओए मुझे लाहौर जी हम पहुंच चुके हैं, ये लाहौर के थे, ये लाहौर भी सबको डर जैसे कोई साफ सुथरा नहीं है, आई थिंक हमने भी जहाँ पे जी तो भी लाहौर में इंटर हो चुके हैं। अभी जो है रिक्शा यहाँ से करवाया, अभी रिक्शे में और इधर भी इशारे आ रहा है सर, मतलब यहाँ पे भी लोग कमीज से थोड़े बहुत चलते हैं। जी यार अभी जो है हम लाहौर पहुँच चुके हैं, फिर सिस्टर का घर है तो वहाँ पे भी आए हैं, कज़न सिस्टर का, वहाँ पे भी दिन का खाना खाना, फिर आगे कज़न के घर जाना तायाब के बेटे के घर। अच्छा यार कोई अंदरून लाहौर की ना इतनी कोई, मैं अब क्या बोलूँ, खैर 1:30 हो गया और ये देखो ये अंदरून लाहौर है, यहाँ पर जो है गलियाँ ऐसी हैं जैसे वो पता नहीं कैसी गली, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता, टिकटॉक पर मशहूर है। अभी ऐसे लग रहा है जैसे अभी बादल चाहिए, इतनी तंग गलियाँ और ना सन लाइट पड़ती है और ना मून लाइट पड़ती है ना कोई और लाइट पड़ती है, तो बस यही हिसाब किताब है। अभी जो है खाना वगैरह खाएंगे फिर जो है यहाँ से निकलेंगे तकरीबन 3-4 बजे। अभी जो है यार मैं राइड करवाऊँगा पहले रक्षे पे आए हैं, राइड यार जरूरी की है रक्षे वाले ने, एक रास्ता बांध था फिर दूसरे, यार ये लाहौरियों की एक बांध नहीं है खास तौर पर जो ये गाड़ियों वाले या रक्षे वाले हैं लोकल। खैर अभी जो है राइड करवाएंगे, खाना वगैरह खा के ईजी हो गए थोड़ा सा, फिर जो है ना जाएंगे, मैं तो एक बार आके नहीं आया, थोड़ा फ्रेश हुआ फिर दिमाग थोड़ा मतलब जगह पे आया, अदरवाइज मैं गया था। जी जनाब अभी जो है खाना वगैरह लग चुका, मोस्ट फेवरेट चीज़ रोली बिरयानी, ये होती है रोली बिरयानी।
ये तो ये हमने राइड करवाई है, अभी जो है हमारा कहीं घूमने का मूड है, तो अभी जो है राइड करवाई है, राइड आ चुकी है, टर्न वगैरह कर ली है। अच्छा जी, अभी जो है हमने थोड़ा सा घूमना है, हमने जाना है अभी कज़न के हम बाहर घर बाहर में जाएंगे, कल फिर पता नहीं टाइम मिले ना मिले, उधर से जाना है हमने, कहाँ जाना था, हाँ मीनारे पाकिस्तान जाना है, और फिर जो है आगे बादशाही मस्जिद भी कह रहे हैं पास ही है, तो मैं भी हम वहाँ भी जाएँ, तो खैर इन्हें कुम 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 लाइए जी, बस अभी घर वाले बैठते हुए हैं, फिर जो है हम इंशाल्लाह निकलेंगे, देखते हैं फिर सफर कहाँ पर पहुँचता। कल सीन कुछ ये हुआ है, सीट वैगन आ रही, पता नहीं उसने कोई मॉडिफिकेशन करवाई गई थी, तो उसकी सीट जो है आगे नहीं हो रही थी, तो वैगन की जो है ना सीट आगे ना हो जब तक तब तक व्हील चेयर नहीं आती अंदर, तो ये मसला हो गया था, फिर जो है वो चले गए, अभी हम आगे जा रहे हैं मेन पे, वहाँ से खड़े होके राइड करवा रहे हैं। जी तो हम जो है पहुंच चुके हैं मीनारे पाकिस्तान, ये देखें आप मीनारे पाकिस्तान, लक्ष्य फिर मेरा था हमने यही करवा लिया, ये मीनारे पाकिस्तान। अच्छा मैं ज़िंदगी में पहली बार आया हूँ यार, ये तो लाइक एक पिकनिक पॉइंट है, पता नहीं क्या यहाँ पे इतना रश लुश है ना, और माहौल जो है बड़ा इन लोड़ियों ने ख़राब किया होगा। क्लोज भी हुआ आप चेक करो, वाह खूबसूरत, अभी जो है हम बिल्कुल मीनारे पाकिस्तान के करीब हैं, बिल्कुल मैं बिल्कुल आगे आया हूँ अभी, ओए एक चीज़ यहाँ पे भी यार फोटोग्राफर का बड़ा बिजनेस है, मैं सोच रहा हूँ मैं भी 11 प्रो के पैसे यहाँ से पूरे कर लूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही यार, सही बात है, बहुत ही पैसा है यार, बड़े फोटोग्राफर हैं यहाँ पे। अभी जो है हम बादशाह मस्जिद में जा रहे हैं, ये जो है मीनारे पाकिस्तान को भी हम अलविदा कर रहे हैं, तो यार रिसेंटली जो मैंने बातें की थी, ये देखो हमारी गतिया कौम जो है ऑलवेज गन चलती है, मेरे सामने वहाँ पे बंदे ने जो है ना फेंका था गंद, मेरा इतना दिल कर रहा था इसका मैं मुंह तोड़ दूँ, खैर यार कोई नहीं, ये पाकिस्तानी है ये नहीं सुधर सकते, ये हैं ही गंदे, ये साफ रह ही नहीं सकते। खैर अभी जो है हम बादशाही मस्जिद जा रहे हैं, वहाँ पे कोई म्यूजियम है यार, वो देखने का बड़ा दिल था, तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे, लेट्स गो। वही यार मीनारे पाकिस्तान सिंपल पार्क है यार, बड़ी आइब सी यार, खैर मुख माफ गई आइब, तो बस अभी जो है म्यूजियम में जा रहे हैं, म्यूजियम वही बादशाही मस्जिद का आप लेवल चेक करो, सुभान अल्लाह। जी तो यार ये तालाब है और बोटिंग वगैरह का भी सिस्टम है, वही हो वाह क्या बात है, सस्ता तालाब, आई मीन सस्ता समुंदर। दिस किला यार वो खूबसूरत, वाह चेक दिस, खूबसूरत जी यार, अभी आप मेरे पीछे खूबसूरत सा व्यू देख रहे होंगे, ये देखें आप, हुए हुए वाइब भी कुछ अलग है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, हुए हुए ये देखो आप खूबसूरत जी। तो ये कुछ फॉरनर्स आए हुए हैं विजिट के लिए, एक बूढ़ी सी आंटी है और बाकी कुछ दो अंकल हैं, अभी यार यहाँ से कोई कह रहे हैं पीछे से रास्ता है, फिर जो है हम वहाँ से उधर से आएंगे, लेट्स सी अभी देखते हैं यार, दिस इज मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, हिस्टोरिक जगह, बड़ी हिस्ट्री वाली जगह, अभी हम सारा इसको विजिट करेंगे, टाइम हमारे पास शॉर्ट ही है, पर कोई नहीं
और ये गुरुद्वारा हिंदू सिखों का, आई सिखों का ही होता है, हाँ सिखों का गुरुद्वारा, और दिस इज मोस्ट ब्यूटीफुल यार, मेरा ख्वाब है इसको अंदर से देखने का, तो किसी दिन जाएंगे ज़रूर, टाइम निकाल के आएंगे, अभी तो टाइम ही हमारे पास बहुत शॉर्ट है। खैर हम वो चढ़ाई ऊपर चल के आए हैं और वो कहते हैं ये सिर्फ होटल की जगह है, ये जो है ना आई थिंक नाइट में होटल ओपन होता है रात को, बड़ी फिट जगह, वो मीनारे पाकिस्तान का व्यू, और काफ़ी जो है ना प्यारे प्यारे व्यू हैं, तो बस ये होटल का इतनी चढ़ाई चलने के बाद होटल है। खैर अभी नीचे जाते हैं, फिर उसी रोड पे जो है ना घूमते हैं और फिर वापस, वो वहाँ से हम आए थे, वो उस गेट से। खैर चलो हम वापस, अरे इस रोड की ना वाइब ही अलग है कसम से, बहुत प्यारी इन्होंने बनाई गई है ऐसी, मतलब बड़ी पहाड़ी पहाड़ी फील आ रही है, और टूरिस्ट जो है ना बहुत ही ज़्यादा, कुछ समझे हुए हैं और कुछ जैसे कि मैंने पहले कहा है बहुत ही फालतू किस्म के लोग हैं। अभी इसी रोड पे हम फिर रहे हैं, वेरी गुड एक्सपीरियंस, मतलब मुझे लगता था लाहौर में कोई नहीं इतनी खास जगह देखने वाली, बट कुछ कुछ हैं और बहुत ही प्यारी हैं, हिस्ट्री के मतलब जो है ना कुछ कुछ, और ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं जो कोई समझने वाला हो, खैर जो कोई गंद मारने वाले होते हैं तो वो तो फिर ऑलवेज मैं कहता हूँ कि वो तो समझदार ही बहुत होते हैं। खैर अभी हमने रोड जो है एंड कर दिया, ये देखो ये रोड एंड है, और दन्नो जो है ना चढ़ाई चढ़ लिया, अब दन्नो वैसे चढ़ाई में नहीं हार मानती, बस स्पीड में ये मुंह काला करवाती है। खैर मेरा कज़न कह रहा था कोई मसला आया ना तो आ जाओ लाहौर आए हुए हो, मैंने कहा नहीं यार क्या अभी वो फिर जाएगी फिर आएगी, सो फालतू काम नहीं है ना इतना टाइम है, बस अभी अल्लाह ने दिया ना कोई अच्छी बारी इम्पोर्ट कराएंगे। खैर अभी एंड हो गया पार्क, ये भी किला भी हो गया, एक यार म्यूजियम है कोई यहाँ पे, वो देखना, बस वो देखते हैं और फिर देखते हैं, ये तो किला है आई थिंक, हाँ किला या पता नहीं क्या है, आई डोंट नो यार, बस फिर ले हैं। लेकिन किसी को कोई इंटरेस्ट है तो यार पढ़ ले, लाहौल फॉल्ट शाही किला लाहौल, अच्छा शाही किला ये है, ओके मैंने भी अभी पढ़ा यार, सीरियसली मैं जितना सादा हूँ ना, ओके दिस इज शाही किला, ओह नाइस, अच्छा वो शाही किला, हाँ वो वाला, यहाँ पे तो तोपें तोपें भी लगी हुई हैं, और मुझे लगता है कि खाच इन्होंने माल दिया, मुझे कोई लैंप वगैरह नहीं नज़र आ रहा व्हील चेयर वाला, यार ये देखो कितनी प्यारी है छोटी सी, वाह यार वेरी नाइस, इतना प्यारे प्यारे सामान ये जो है ट्रेडिशनल जो है पंखे वगैरह नल जो है ना हर चीज़ पर गई। अस्सलाम वालेकुम, ओके ये आगे लेडीज, ये आप देखें यार कितना खूबसूरत ये बना हुआ है, ये ना ऐसे डेकोरेशन पीस, वाओ दैट्स गुड भाई, ये कितने का? ये 1500 का है, 1500 डेकोरेशन पीस है, रास्ता बनाया गया है, वे भाई वेरी एक्सपेंसिव, ये भी है, वो कितने का? ये 500 का, इसमें कोई प्यार मोहब्बत हो जाएगी जी, हो जाएगी, कितने को? 500, 800, 1200, 1500, नहीं नहीं छोटे वाला ही 400 फाइनल, इससे कम नहीं, थोड़ा सा कर लें यार, नहीं बस 400, थोड़ा सा 300 कर लें, ना आपकी ना मेरी, नहीं 300, 350 की तो खरीदा मेरी, कहाँ से खरीदा मैं वहाँ से ले आता, रुको जरा सबर करो, बड़ी दूर जाना पड़ेगा आपको, अच्छा यार देखते हैं, बड़ी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, ये ट्रक देखो, ओए भाई से दिल क्या बन गई थी, 400 में मैंने वो लिया शाही किला, वही शाही किला लिया 400 में यार, वो बादशाही मस्जिद, सॉरी बादशाही मस्जिद लिया 400 में, और जो है ना मेरा आईफोन ही टप हो रहा है पता नहीं क्यों, स्टोरेज का भी मसला, थोड़े से ब्लॉग डिलीट किए हैं, ये आप देखो गोरा, वाह 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 वाह,
जी अभी जो है हम इधर ही रुके हुए हैं, ये पूरा जो है पुरानी बिल्डिंग है, हर चीज़। अभी जो है मैंने मोबाइल की जो है थोड़ी साफ़ की है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मसला आ रहा है थोड़ा सा स्टोरेज का, तो अभी जो है स्टोरेज फुल हो गया, थोड़ी खाली की है, अभी जो है व्लॉग इजीली बन जाएंगे। जी अभी जो है हम जा रहे हैं बादशाह मस्जिद की तरफ, वहाँ पे जो है ख़त्म होता है। ओए दैट्स गुड शॉट, ये देखो जहाज, देखो जहाज, वाह पता नहीं कहरा पी आई ए या कौन सा वो एयरपोर्ट, तो मुझे लगा था दूर है। खैर जाने दो जहाज, भाई जहाज ही है, की हो गया अच्छे पागल हो गए हैं। खैर अभी जो है हम जाएंगे बादशाह मस्जिद, क्या पता आ रहा है, आ रहा है बच्चे टेंशन ना लो, कह रही एरोप्लेन आ जाए। अच्छा अभी हम जाएंगे बादशाह मस्जिद, फिर जो है हम कज़न के घर जाएंगे, कज़न का घर बड़ा दूर है, तकरीबन हमें लग जाना घंटा नौ। अभी फिर हम उसी रोड पे आए हैं, इधर से निकल के फिर जो है हमें मस्जिद में जाना पड़ेगा, मस्जिद। ओए ओए यार गर्मी भरी है, बहुत गर्मी है कसम से। अच्छा जी ये जो है मेन किला, शाही किला, शाही शाही, ये जो है शाही मेन किला। ओके यार ये मस्जिद के मीनार भी चले हैं, ओ सॉरी लाइट चल रही है मीनारों की, खूबसूरत लग रही हैं वैसे दिस। और ये जो है कायदे आज़म का आई थिंक कुछ है मज़ार। अभी जो है मस्जिद में एंटर हुए हैं बादशाह मस्जिद जी। तो अभी बादशाह मस्जिद के अंदर एंटर हुए हैं यार, इन्होंने ना पीछे जो ज़्यादा सी सीढ़ियाँ ना उधर इन्होंने रैंप वगैरह नहीं बनाया हुआ, तो वहाँ पे इनको बनाना चाहिए एक आधा रैम। अभी जो एंटर आए हुए हैं, बाद से पूछा पहले कि व्हील चेयर अंदर जा सकते, वो कहते हैं इधर ले जाएं आप, अंदर तो आगे तो ले के जाने की जगह नहीं है। अभी मैं इस जगह पे मौजूद हूँ, यहाँ पे ना मैंने एक कपल का फ़ोटो शूट देखा था, तो बस वो देख रहा हूँ, बड़ी खूबसूरत जगह है यार, दिस इज़ मोस्ट ड्रीमी जैकेट, ओह माय गॉड। वो देखो कुछ जो है ना लाइटें वगैरह जल चुकी हैं, बड़ा प्यारा नज़ारा हुआ है, और इतना सुकून और पीसफुल है ना जगह यार, मैं क्या बताऊँ, फुली पीसफुल, इतनी जगह अल्फाज ही नहीं है यार, बहुत पीसफुल जगह, बहुत ज़्यादा लगता है मुझे। यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी बन भी गई हैं, काफ़ी जो है ना कलेक्शन हो रही है यहाँ पे सारी। ये जो है अंदर से है, दिस इज अ मेन गेट, वो मेन गेट है, हम वहाँ से आए हैं, यहाँ पे लोग नमाजें भी पढ़ रहे हैं, बहुत यार माशाल्लाह। यार अभी जो है चक्कर लगाया मैंने सारी मस्जिद का ना, इधर से लेके मैं वो उधर तक गया हूँ, जो सुकून है माइंड ब्लोइंग। बस यार बंदे मस्जिद में भी आ गए ना, बहुत शोर शराबा और गाड़ियाँ वगैरह दे रहे हैं,
सो आई थिंक ये मुनासिब नहीं है, लोगों को समझना चाहिए। खैर कोई नहीं यार, किसी की अपनी मर्ज़ी। बाकी जो सुकून है ना यहाँ पे, दिल नहीं कर रहा जाने को। कल हमने जो है आगे बहुत ज़्यादा दूर जाना है, बहुत ज़्यादा, तो नमाज वगैरह पढ़ते हैं कल वाले, सो पढ़ लें फिर जो है हम जाएंगे कल को। दिस वाइब दिस माशाल्लाह जी। तो ये जो है अभी रात का टाइम है, इधर ऊपर आए हैं, ये सारा मीनारे पाकिस्तान का जो पार कम्पेयर है वो, और यहाँ पे कितना क्लियर लग रहा है मीनारे पाकिस्तान जी। तो ये आप वाइब देखें, पूरा जो है अभी ऐसे ही जो है ना किला पूरा यार। इधर कहीं ना हीरा मंडी है सुनने में आया इस साइड में, तो उधर से ना अभी आवाज़ें आ रही हैं, वो हीरा मंडी जो कि नेटफ्लिक्स पे बड़ा मशहूर हुआ था ना, उस टाइप का बहुत ही ज़्यादा। अगर फोकस से सुने ना फिर आपको सुनाई देगा यार। यहाँ से जाने तो दिल तो नहीं कर रहा, बट क्या करें, अभी हल्को ना अभी जा जाने का टाइम हो चुका। हमने जहाँ जाना है वो कॉलम भी कर नहीं कर लिए। देखो यार 8 हो गए हैं, हमें 9:10 बज जाएंगे उधर पहुँचते पहुँचते। अभी गाड़ी भी तलाश करनी है, जो कि लाहौर में मैं कहता हूँ सबसे मुश्किल काम है। इन ड्राइव तो यहाँ पे है ही नहीं ना, एक थी वो गाड़ी आई वो, फिर उसके बाद ले थी उन्होंने, इतना हाई कर दिया, समझ से बाहर है। ओह गॉड यार, यार ये कोई इतना बड़ा बाजार है और लंबा बाजार है ना, और ये होटल, ओए होए, बस इस होटल में अब सते रह गया जिंदगी में, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। ओए होए यार यहाँ का तो माहौल ही अलग है, देखो ओए जी यार इस गली की तुफाई भी अलग है। यहाँ से निकलते ही जाओ ना बादशाह मस्जिद से निकले, इतनी कोई अलग वाइब है ना, सही बात है कसम से। ये देखो इतनी कोई, ये जो है आवाम खा पी गई है। बकरी के कल सब आप चाहते हो, बकरा वो बकरी कह रहा है, बकरा वो बकरी कह रहा, मज़े की बात ये है। चलो जी जी जनाब, तो ये व्लॉग इतना ही था, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रात को जो है मैं लेट आया था, तो अभी मैं उठा हूँ नाश्ता किया, तो मैंने सोचा कि व्लॉग एंड कर दूँ, फिलहाल के अमले से ही बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी आपके सामने आने वाली हालत ही नहीं है। तो खैर ये व्लॉग इतना ही था, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।